हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 की हालत दयनीय है। ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़क बनाया गया है। सड़क मार्ग के खराब हालत की वजह से लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लेकिन NH प्राधिकरण द्वारा सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इन दिनों राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सैकड़ों की तादाद में वाहनों की आवाजाही हो रही है और सेब का सीजन अभी शुरू ही हुआ है। सेब से भरे वाहनों को जब इन खड्डों वाले सड़क मार्ग से गुजरना पड़ेगा तो कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं DC ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कई जगह खड्डे हैं। इस बारे में जल्द ही इस मार्ग को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे ताकि एक बार फिर से NH5 पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। मुख्य नेशनल हाईवे है, उसमें कई जगह जो है सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और ये इस वजह से हुआ क्योंकि एक तो रेनी सीजन की वजह से हुआ है और दूसरा नेशनल हाईवे पे जगह जगह जो है रोड की वाइडनिंग और इम्प्रूवमेंट का काम चला हुआ था। लेकिन अभी जो थोड़ी सी कठिनाई इसमें जरूर आ रही है क्योंकि कुछ जगह जो है रोड की कंडीशन ख़राब बनी हुई है। इसके लिए मैंने एक्सिन नेशनल हाईवे डिवीज़न रामपुर को निर्देश दिए हैं कि वो इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द करवाएं ताकि इस नेशनल हाईवे के ऊपर जो है ट्रैफिक जो सामान्य रूप से चालू रहे।